आगरा विकास प्राधिकरण शहर में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करता रहा है। शहर में कई जगहों पर मानकों के विपरीत अवैध निर्माण किए गए हैं, जिन पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार या तो ध्वस्तीकरण या फिर सीलिंग कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। शुक्रवार को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। एडीए द्वारा छत्ता वार्ड के अंतर्गत जलेसर रोड पर 1300 वर्ग मीटर में बनी अनाधिकृत कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण कार्यवाही की गई। तो वहीं आगरा विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने अवैध रूप से बनाए गए हॉल और दुकानों को जमींदोज कर दिया। तो दूसरी तरफ हरि पर्वत क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर में नक्शे के विपरीत निर्माण पर एक भवन को सील किया गया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ऋतिका फुलवानी की रिपोर्ट।